वेलकम टू सबूरी किचन। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक पोहे की खीर बनाएंगे, जो बहुत जल्दी बन जाती है और पोहे की खीर बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए हम लेंगे पोहा 1 कप, दूध 5 कप, शक्कर 1/2 कप। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून घी डालकर गरम करेंगे। अब पोहा डालेंगे और उसको चम्मच से चलाते हुए भुनेंगे। पोहा भुनने से खीर का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो बिना भुने भी खीर बना सकते हैं। चम्मच से पोहे को चलाते रहेंगे ताकि सभी जगह से पोहा अच्छी तरह से भुन जाए। पोहा बहुत फाइब्रस और लाइट फूड है, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है, इसीलिए बेबी फूड के लिए बहुत उपयुक्त है। इसीलिए छोटे बच्चों को पोहे की खीर खिलाना बहुत फायदेमंद है। अब पोहा अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, इसमें 5 कप दूध मिलाएंगे। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब दूध को चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे, धीमी आंच पर रखेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। पोहा हेल्दी रखने में बहुत मददगार है। पोहे के सेवन से हीमोग्लोबिन और इम्यूनिटी दोनों ही बढ़ते हैं। पोहे के सेवन से वजन नहीं बढ़ता। आप चाहें तो खीर बिना मीठा किए भी बना सकते हैं, या कम गुड़ डालकर या कम शक्कर डालकर भी बना सकते हैं। पोहा प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है, इसमें पचने वाला प्रोटीन होता है, इसीलिए आसानी से पच जाता है। दूध पकते पकते गाढ़ा हो चुका है, इसमें शक्कर मिलाएंगे। शक्कर के साथ भी कुछ देर और पका लेंगे। पोहे की खीर 15-20 मिनट में बन जाती है। अगर गेस्ट आ रहे हैं, खीर बनाने में वक्त लगता है, बस तुरंत पोहे की खीर बनाइए। अब खीर को और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने से खीर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो गई और देखने में भी बहुत अच्छी दिख रही है, बस खाने का मन कर रहा है। आप भी पोहे की खीर ट्राई करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।